कौन है? क्या औकात क्या तेरा? कोई दूसरा मेरे को बताएगा मैं कौन है? क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है, क्या घंटा लेकर जाएगा? अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, जरूर आएगा। हेलो फ्रेंड्स, बॉलीवुड शेड्स में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपकी होस्ट अवंतिका, और एक बार फिर हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक और फिल्म का रिव्यू लेकर। आपका टाइम आएगा, मेरा टाइम आएगा, हम सबका टाइम आएगा, लेकिन फिलहाल तो रणवीर सिंह का टाइम आया है। जी हाँ, उनकी फिल्म गली बॉय जो रिलीज हुई है। वैसे तो हर फिल्म फ्राइडे के दिन रिलीज होती है, लेकिन इस बार रणवीर सिंह की फिल्म थर्सडे के दिन यानी 14 फरवरी वैलेंटाइन डे के दिन रिलीज हो रही है। वैसे तो रणवीर सिंह कभी छिछोरा बनकर तो कभी राजा बनकर हर किसी के दिल पर राज करते हैं, और इस बार इनकी ये फिल्म काफी समय से सुर्खियों में है। कभी अपने प्रमोशन में लोगों के बीच में रणवीर सिंह कूद कर अपनी फिल्म को प्रमोट करते हैं, तो कभी कहीं गाना गाकर अपनी फिल्म को रणवीर सिंह ने खूब प्रमोट करा है। बात करें अगर फिल्म की कहानी की, तो फिल्म की कहानी काफी दिलचस्प है। इसमें रणवीर सिंह एक 22 साल के लड़के का किरदार निभा रहे हैं, जिसका नाम मुराद है। मुराद एक ड्राइवर के बेटे हैं और उनके पिता उनको पढ़ाने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं ताकि उनका बेटा सूट बूट पहनकर नौकरी पर जाए। लेकिन अचानक से रणवीर सिंह यानी मुराद को ये एहसास होता है कि वो नौकरी नहीं बल्कि रैपर बनना चाहते हैं, और तभी से उनका स्ट्रगल शुरू हो जाता है। अब आगे क्या होता है ये आपको फिल्म देखकर ही पता चलेगा, लेकिन इसके लिए आपको फिल्म देखनी पड़ेगी। वहीं अगर बात करें फिल्म के डायरेक्शन की, तो इस फिल्म का डायरेक्शन जोया अख्तर ने किया है और उन्होंने अपने काम को बखूबी निभाया है। और वहीं अगर बात करें इस फिल्म के गानों की, तो इस फिल्म के गाने रिलीज होते ही हिट होना शुरू हो गए थे। और सबसे खास बात इस फिल्म के गानों की ये है कि इसे खुद रणवीर सिंह ने गाया है। वहीं अगर बात करें फिल्म के डायलॉग्स की, तो फिल्म के डायलॉग्स तो खूब शानदार हैं, क्योंकि ये फिल्म रणवीर सिंह की जो है। इसमें से आलिया भट्ट का एक डायलॉग फिल्म रिलीज होने से पहले ही काफी फेमस हो गया, लोगों ने इस पर टिकटॉक वीडियोस बनाना भी शुरू कर दिया था। मेरे बॉयफ्रेंड से गुलू गुलू करेगी तो भोकतूंगी ना उसको। चल, बहुत बड़ी गुंडी है तू। अच्छा छोड़ ना, सॉरी, फिर से नहीं होएगा ऐसा। खा मेरी कसम, मर जाएगा तू। वही अगर बात करें आलिया भट्ट और रणवीर सिंह की एक्टिंग की, तो दोनों ने लोगों का ध्यान अपनी एक्टिंग की वजह से बांध कर रखा। जहाँ कई मोड पर ऐसा लग रहा था कि लोगों का कनेक्शन टूट रहा है, तो वहीं दोनों ने अपनी एक्टिंग से उसे बखूबी संभाला है। फिल्म का ट्रेलर रिलीज होते ही हिट होना शुरू हो गया था और लोगों ने इस फिल्म के ट्रेलर से काफी उम्मीदें भी रखी हैं। अब देखना ये होगा कि लोगों की उम्मीद पर ये फिल्म खरी उतरती है या नहीं, और वही देखना ये होगा कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस में कितना कमा पाती है। बॉलीवुड शेड्स की तरफ से इस फिल्म को रेटिंग दी जाती है 5 में से 4 स्टार। आज के लिए बस इतना ही। आपको फिल्म कैसी लगी कॉमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक करना ना भूलिए, और हमारा फेसबुक और यूट्यूब पेज बॉलीवुड शेड्स उसको भी लाइक और सब्सक्राइब कर दें। एक नए वीडियो के साथ जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए गुड बाय।